तो वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों को नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट का मार्केट प्लस ओवरव्यू दिखाने वाला हूं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नारायणपुर के कोंडा गांव मार्ग पर, और यहीं पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में दो रास्ते आप लोग को दिख रहे होंगे। एक रास्ता जिससे हम कोंडा गांव की तरफ जा सकते हैं, और एक रास्ता इस तरफ से आप लोग बेला डीला वगैरह बारसूर की तरफ निकल सकते हैं, जो कि आप लोगों को जगदलपुर की तरफ लेकर चलता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लोग नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं तो आप लोगों को यहां के आउटर से ही सामने का जो एक लुक कहना चाहिए, यहां का जो एक सीन है वो आप लोगों को दिखना पड़ेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सामने से दोस्तों पहाड़ों की जो श्रृंखला है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, जो कि पूरे सिटी को कवर करके रखी हुई है। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नारायणपुर सिटी। तो फ्रेंड, जैसे ही हम सिटी के अंदर पहुंचते हैं तो सामने में आप लोगों को आसपास दो ढाबे दिखते हैं, जिसमें पाजी ढाबा और सागर ढाबा है। और आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आटो पॉट की दुकानें हमके दिखती है, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह की दुकानें। और आगे में ही खूबसूरत सा शिव जी का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है यहाँ पर का, जिसमें काफ़ी सुंदर शिव जी की प्रतिमा बनाई गई है। छोटा सा लेक है और किनारे में ही मंदिर है, और साइड में ही एक खूबसूरत सा पार्क बनाया गया है। सामने में आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, नारायणपुर प्रतीक्षालय भी यहाँ पर बनाया गया है। और इस तरफ ही ट्रैक्टर के शोरूम वगैरह भी बने हुए हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे आंचलिक लोग देखने के मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को। कपड़े की सुखाने, जॉन डियर, यहाँ पे ट्रैक्टर का शोरूम भी देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही हम अंदर की तरफ चलेंगे और चलते समय देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि काफ़ी सारी शॉप्स ओपन हैं, जिसमें कंप्यूटर की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यहाँ पे, और मोबाइल की शॉप अधिकतर मुझे देखने के लिए मिल रही है। साथ में मेडिकल शॉप या ऑटो पार्ट्स की दुकानें वगैरह, और एक होंडा का शोरूम है वहाँ पे साइड में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। और गाइस, इधर ही देखते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ का बस स्टॉप कहना चाहिए, या फिर साइड में मंदिर है एक खूबसूरत सा, और इस तरफ ही यहाँ पे बाज़ार वगैरह यहाँ का लगता है, जो कि मार्केट एरिया है, जो कि मैं आपको अभी रिटर्न में यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ का एक बार घुमाऊँगा आप लोगों को। और इसे इस जगह का छोटा बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पे शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे। सो गाइस, मेरे राइट हैंड साइड में ही एक काफ़ी बड़ा सा झील है, ये आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि बाउंड्री वॉल यहाँ पे जो झील की बाउंड्री है, यहाँ से अगर ऊपर चढ़ के आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक खूबसूरत सा झील देखने के लिए मिलता है। नाउ हम लोग दोस्तों सिटी के पास पहुँच चुके हैं, और सिटी के पास पहुँचते ही यहाँ पर फिर एक खूबसूरत सा मंदिर सामने में, जो कि जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। काफ़ी सारे यहाँ पे मकाने बने हुए हैं, अच्छी अच्छी मकाने, काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है मुझे। गोंडा गांव के लिए बस से मिल जाती है इधर से, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, मोबाइल शॉप, हार्डवेयर की दुकानें, साइकिल की, ज्वेलरी शॉप्स। इधर वनो परिक्षेत्र का अधिकारी का कार्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, और यहीं पे अजाक थाना सिटी कोतवाली तहसील कार्यालय, शनिदेव का मंदिर, हनुमान जी का। आगे की तरफ बस स्टैंड की तरफ लेकर चल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को मैं।
भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कार्यालय भी सामने में देख सकते हैं। और इस चौक की तरफ, जय स्तंभ चौक की तरफ पहुँच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे आमचो अबूझमाड़ नारायणपुर, इधर देखें काफ़ी खूबसूरत सा ये चौक बनाया गया है, जिसमें यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी आसपास दिख रहे हैं। काफ़ी सारे कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो राइट साइड में ही यहाँ का विश्राम गृह है और हम ऑलमोस्ट बस स्टॉप के पास पहुँच चुके हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें हैं। और ये नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट का बस स्टॉप है, जहाँ पे आप लोगों को जगदलपुर, कोंडागांव, दुर्ग, राजनांदगांव, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर आदि जगह जाने के लिए यहाँ से बस मिल जाती है। ये कोंडागांव भानुप्रतापपुर चौक है। दोस्तों मौसम भी थोड़ा पानी गिरने का बन चुका है, बादले देख सकते हैं ऊपर छाए हुए हैं, काले काले बादल। तो अभी हम चल रहे हैं मार्केट एरिया की तरफ और चल कर देखते हैं। आदिम जाति कल्याण जो यहाँ पे हॉस्टल हैं, आवास हैं, जो हॉस्टल हैं वो सब बने हुए ही हैं। काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ पर और यही नारायणपुर का ऑडिटोरियम लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय है, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये न्यायालय व्यवहार न्यायालय, मौसम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है आज का। तो गाइस अभी हम नगरपालिका परिषद के पास पहुंच चुके हैं और यहीं से अभी हम यू टर्न लेंगे। आगे की तरफ अगर आप लोग जाते हैं तो आगे अंतागढ़ के लिए निकल सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के पास हम पहुंच चुके हैं और यहीं पे राइट हैंड साइड में नगरपालिका परिषद नारायणपुर। सरकारी क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं, उच्चतर माध्यमिक शाला मुखिया पारा। तो ये अभी दोस्तों हम मार्केट एरिया की तरफ से गुजर रहे हैं और यहाँ से नारायणपुर का जो मार्केट एरिया है वो शुरू हो जाता है। मुरिया पारा क्षेत्र कहलाता है ये यहाँ का। इधर देख सकते हैं दोस्तों सामने मोबाइल की शॉप्स वगैरह,
इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कपड़े की दुकानें, इधर बाइक रिपेयर शॉप, गरीब अपना फैशन शॉप, सर यहाँ पे शॉप देखने के लिए मिल रही हैं। जूते चप्पलों की दुकानें, बैग हाउस, लाइन से यहाँ पे जूते चप्पलों की दुकानें और कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल दिख रहा है। फाइनली अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे की तरफ से घूम कर मार्केट एरिया देख के वापस हम लोग चौक के पास पहुँच चुके हैं। इधर भी काफ़ी सारे ज्वेलरी की शॉप, बेकरीज और कपड़े की दुकानें देखने के लिए मिली। तो फाइनली गाइस हम लोग उस चौक के पास पहुंच चुके हैं और यहां से हमारा जो कोंडा गांव का मार्ग है उस पर हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? जो मैंने नारायणपुर का जो सिटी दिखाया आप लोग को, साथ में यहाँ का जो मार्केट है वो भी दिखाया। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को नारायणपुर सिटी कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल को भी ऑल पे कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और अच्छे स्पॉट के साथ।